आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिसिन रिव्यू में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हमारा ये आज का ये है कि अगर आपको कुत्ता, सियार या बंदर ने काट लिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है और बाद में जो है रेबीज वैक्सीन आपको किस तरह लगवानी है और कितने दिनों के बाद लेनी है, ये सारी बातें जो हम आज को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इंजेक्शन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मान लीजिए कि अगर आपको कुत्ता या सियार ने काट लिया है तो आपको कौन सा वैक्सीन लगवाना पड़ता है, उसका नाम क्या है। जैसे कि आपको कुत्ता या सियार या बंदर ने काट लिया है तो आपको रेबीपुर नाम का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है जो GSK फार्मा बनाती है और ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। अगर आपको कुत्ता या सियार या बंदर ने काट लिया है तो सबसे पहले जो आपको ट्रीटमेंट करना होता है वो आपको अपने घर पर ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे कुत्ता या बंदर ने काटा है उस स्थान पर या आके खून निकल रहा है या छिल गया है तो उस स्थान को आपको डिटॉल साबुन से 4-5 बार धोकर बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको जो 24 घंटे के अंदर आपको इस रेबीपुर वैक्सीन को लगवा लेना है। अगर इसकी MRP की बात करेंगे तो फ्रेंड देख दिखाता हूँ आपको, इसकी MRP जो 336 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। और ये इस प्रकार के इसमें जो वायल आती है, इसमें जो ड्राई पाउडर होता है, इसको जो बाटर होता है इसमें डॉक्टर लोग इसको घोल के लगाते हैं और इस इंजेक्शन को हमें जो IM देना होता है, IM दे सकते हैं तो IV नहीं देते हैं क्योंकि IV देना होता है। इसमें ड्राई पाउडर निकलता है घोल के, इसमें बाटर आता है इसके साथ में, बहुत ही अच्छी पैकिंग में आता है। तो फ्रेंड अब बात करेंगे इसकी डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड जिस दिन आपको काटा है ना उस दिन 24 घंटे के अंदर आपको एक इंजेक्शन लगवा लेना है। उसके जो तीसरे दिन आपको एक इंजेक्शन लगवाना है, आपको तीसरे दिन इंजेक्शन लगवाना है, तीसरा इंजेक्शन आपको जो उसके 7वें दिन लगवाना है और जो चौथा इंजेक्शन जो है 14वें दिन लगवाना है और 5वां इंजेक्शन जो है आपको 28वें दिन लगवाना है। यानी इसकी जो है 5 इंजेक्शनों की डोज होती है और ये आपको 5 इंजेक्शनों की डोज पूरी करनी है। यानी पहला इंजेक्शन पहले जिस दिन काटा उसके 24 घंटे के अंदर लगवाना है, दूसरा इंजेक्शन तीसरे दिन और चौथा इंजेक्शन 14वें दिन, पाँचवा इंजेक्शन 28वें दिन लगवाना है। इस तरह आपको 5 इंजेक्शन लगवाने हैं। तो फ्रेंड जो है कि किसी पेशेंट को या आपको किसी ने कुत्ता सियार या बंदर ने काट लिया तो उसका असर जो है आपको तुरंत नहीं मालूम होता है, तुरंत नहीं मालूम। जैसे जैसे उस पेशेंट की उम्र बढ़ती जाती है, उस जैसे कि वो 40-50-60 साल का होता है तब उसको उसका असर मालूम पड़ता है। तो उसके असर से उसको जो है वो कुत्ते की तरह भौंकने लगता है और कोई मिलता है तो उसे कुत्ते की काट लेता है, उसको पानी से डर जैसे लगने लगता है। अगर वो पेशेंट जो है किसी और को भी काट लेता है तो उसको भी रेबीज का खतरा हो सकता है। इसलिए जो है अगर आपको कुत्ता सियार बंदर काट लेता है तो आपको ये रेबीज वैक्सीन लगवा लेना चाहिए और आपको जो इस वैक्सीन की फुल डोज लेनी चाहिए, कोई भी अधिक डोज नहीं छोड़नी चाहिए और इंजेक्शन जो है आपको अपनी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। और अगर आप जैसे कि आपको कोई कुत्ता काट देता है तो आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से परामर्श के ही बाद इस इंजेक्शन को लगवाएं। तो फ्रेंड तो अगर आपको आस पड़ोस में किसी कुत्ता सियार या बंदर ने काट लिया है तो आप इस वैक्सीन को अवश्य लगवाएं। अगर आप जो है किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो जो है ये रेबीपुर इंजेक्शन लगवाएगा जो आपको कॉस्टली पड़ेगा, 336 रुपये में पड़ेगा। अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता है, वहाँ को आपको फ्री में लग जाता है। अगर आप प्राइवेट के पास जाते हैं तो आपको 336 रुपये पे करना पड़ेगा। ये इस प्रकार की पैकिंग में आता है रेबीपुर इंजेक्शन। तो फ्रेंड ये था हमारा रेबीपुर इंजेक्शन का रिव्यू। और आप ऐसी ही मेडिसिन जुड़ी वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड।